न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। बिहार में कल एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया। दरअसल कल बीएसएससी की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी, लेकिन प्रथम पाली की परीक्षा के लिए जैसे ही अभ्यर्थियों एग्जामिनेशन हॉल में बैठे वैसे ही पेपर लीक हो गया। सोशल मीडिया पर बीएसएससी का प्रश्न पत्र आग की तरह वायरल होता चला गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों को एक बार फिर से आक्रोश फूट पड़ा है। वहीं पेपर लीक से जुड़े मामले में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से सवाल किया गया, तब उनका कहना था कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, अगर मामला सही पाया गया तो कार्रवाई होने के साथ ही परीक्षा रद्द भी हो सकती है। बता दें कि इस परीक्षा में करीब 9 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, करीब 8 साल के बाद वैकेंसी निकली थी। वहीं यदि परीक्षा रद्द होती है तो 9 लाख अभ्यर्थियों की उम्मीद पर पानी फिर सकता है, 9 लाख अभ्यर्थियों का सपना चकनाचूर हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले 66वें बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र भी वायरल हुआ था, जिसके बाद अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा, परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसको लेकर अब तक सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं अब 67वें बीपीएससी की परीक्षा का मामला पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि अब फिर बीएसएससी का मामला सामने आ गया है। ये जो मगध विश्वविद्यालय का या अन्य विश्वविद्यालय के परीक्षाओं का या छात्रों का जो समस्या है, आपको इतना पता होना चाहिए माननीय प्रिंट मीडिया के लोगों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, ये स्वायत्तता है विश्वविद्यालय को और कुलाधिपति से वो सीधे सीधी संचालित होते हैं। तो उन लोगों से भी सवाल करना चाहिए, सरकार लगी हुई है, जांच होगी, लीक हुई है सही पाया जाएगा तो रद्द होगी। जो छात्रों की समस्या है वो विश्वविद्यालय के मामले में सीधे सीधी स्वायत्तता है विश्वविद्यालय को, वो सरकार से संचालित नहीं होता है। सरकार कामधेनु के रूप में सिर्फ रुपया देने का काम करती है। प्रशासनिक मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है, पत्राचार करते हैं। हम लोग कमेटी बनाए हैं छात्र नियमित सत्र करने के लिए, 9 सदस्यीय कमेटी है, प्रतिवेदन आएगा माननीय कुलाधिपति महोदय के संज्ञान में, उसको दे करके मेमोरेंडम सरकार देगी।